हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और डेट है 2 मई और दूध गर्म करने रख दिया है, एक तरफ चाय बनाने रख दी है। मैं और रूही तो नहा लिए हैं। बाहर क्या हो रहा है बताऊं? मंगा के बाल कट रहे हैं। जोर से बोलो भाई, उनको सुनाई नहीं देगी। मंगू भैया के बाल कट रहे हैं। हाँ, वो गंजा कर रहे हैं उसके पापा जी उसको। क्यों? क्योंकि उसके बाल बढ़ गए थे, बाहर बाल कटाने जा नहीं रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस है। इसलिए घर पे उसके बाल काट रहे हैं। उसको टकला कर दिया, उसको गंजा कर दिया। टकले हो जाएंगे ना, फिर मैं उन्हें तबला मना दूंगा, उनको बजाऊंगा। तो आज हम बना रहे हैं नाश्ते में मूंग की दाल के मंगोड़े, पकौड़े। क्या बोलते हो भाई? मंगोड़े बोल लो, पकौड़े बोल लो, कुछ भी बोल लो, वही बना रहे हैं। अभी दाल पीसूंगी मैं, जब तक चाय होगी, दूध होगा, इतने में मेरी दाल पिस जाएगी और मंकू गंजा हो जाएगा। इतने में वो दोनों नहा के आएंगे, तब तक हमारे मंगोड़े और चाय का नाश्ता रेडी हो जाएगा, तभी मिलते हैं। ठीक है? निगाह ऊपर कर। छुपा रहे हैं अपनी शक्ल, देखिए। गंजू टकलू। सकल दिखा, सकल सकल दिखा, दिखा दिखा, सकल दिखा, सकल दिखा, सकल दिखा। तो यहाँ हम मैं तैयारी कर रही हूँ दाल पीसने की। दाल पीसने के लिए उसको मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और उसको ना महीन नहीं पीसूंगी मैं, दर दरा सा पीसूंगी और अच्छे से पीस के सारा एक साथ रख लूँगी, मिक्सी में ही सारा पीस लूँगी और एक कटोरे में निकाल लूँगी इसको। और उसके बाद जो है आलू काट लूँगी। ये देखिए कितना अच्छे से पिस गया है और यहाँ दूध और चाय भी गर्म हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने पिसी हुई दाल में 3 चम्मच बेसन मिलाया है और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया, जीरा, हींग और नमक स्वाद के अनुसार मिला लिया है। मिला लूँगी अभी, अच्छे से उसको फेंट लूँगी चम्मच से दाल को और मसालों को एक साथ, ताकि वो मिल जाएं अच्छे से एक दूसरे में। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैं अच्छे से फैट ले रही हूँ दाल को, जितने अच्छे से ये फैट जाती ना, सॉरी, जितने अच्छे से ये फैट लेते हैं ना, उतने अच्छे से ही पकौड़े जो है फूल के बनते हुए आते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको मैंने फैट लिया है, बेसन, दाल और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और दाल पीसने के बाद जो मैंने आलू भी काट लिए थे छोटे छोटे पीसेस में, ज़्यादा बड़े पीस नहीं किए थे। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे और थोड़ा सा रिफाइंड लिया है, जो मैंने पहले निकाला था पराठे सेकने के लिए, वो थोड़ा बचा हुआ था वही मैंने डाल दिया है। और अब जो है सरसों का तेल मिला दे रही हूँ और इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी तेल को, जैसे ही लगे कि गर्म होने लगा है मीडियम फ्लेम करके, और आलू को दाल के घोल में मिक्स करके ऐसे पकौड़ियाँ डालती रहूँगी इसमें, सारी पकौड़ियाँ ऐसे ही डालूँगी। एक बार में इस कढ़ाई में जितनी भी मंगोड़ियाँ पकौड़ियाँ आएंगी वो मैं डाल दूंगी। लगभग सारा भर के तैयार हो गया ये कढ़ाई में, जितने आ सकते थे उतने मैंने डाल दिए हैं।
और अब इन्हें एक मिनट के लिए ऐसे ही तलने दूंगी ताकि पलटते वक्त ये दूसरी साइड से कढ़ाई पे चिपके ना। और फिर पलटने के बाद एक मिनट के बाद पलट लेंगे और उसे भी एक मिनट तक रहने देंगे। उसके बाद अलटते पलटते हुए सेक लूंगी इन्हें अच्छे से ताकि ये कच्चे कच्चे से ना दिखें और कच्चे ना रह जाएं। और जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तो मैं इन्हें एक कटोरे में निकाल लूँगी फॉइल पेपर लगा के, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा इनमें वो पेपर सोक कर लेगा। तो ये सारे हमारे बनके तैयार हैं, सारे नहीं मतलब अभी पहली वो निकली है बनके तैयार है। तो इसमें से थोड़े से ठाकुर जी के लिए निकाल दिए थे और अब बच्चों से पूछते हैं कि कैसे बने हैं। और ये चाय है, उन्हें बताए। और अब रूही टेस्ट करके बताएगी कि कैसे है, क्योंकि अभी थोड़े से गर्म है। यम्मी है, यम्मी है। टकलू रूही कैसे है? बहुत बढ़िया है। हेलो फ्रेंड्स, आज है मंडे 3rd of May और बिल्कुल भी ना ये जो लॉकडाउन लगा है बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है घर पे। इतने दिन हो गए बंद 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 और अब तो कुछ दिमाग में भी नहीं आ रहा कि क्या वीडियो बनाए, कैसी वीडियो बनाए। वीडियो बनाने में भी जो है मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, हर तरफ सिचुएशन ऐसी हो रखी है ना कि न्यूज़ देखो तो दिमाग खराब, किसी से फोन पे बात करो तो दिमाग खराब। दिमाग खराब इन द सेंस इसके मतलब कहीं कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा है, जहां देखो वहां कुछ ना कुछ सबके साथ हो ही रहा है। तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब वीडियो बनाने में मन ही नहीं लग रहा है, क्या बनाएं क्या करें क्या नहीं करें। मेरे खेल की वीडियो बना लो। वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, इसके सर में तेल भी नहीं डाला और इसने देखो बाल कैसे कर लिए, इसके जूड़ा बनाया हुआ था घुंघरू बाल, घुंघराले वालों को घुंघरू बाल बोल रही है। इसके तेल भी नहीं डाला है, कल सर धोया था, कल से अभी तक तेल नहीं डाला है। मन ही नहीं लग रहा है किसी से बात कर लो, वीडियो देख लो या न्यूज देख लो, सब कुछ करने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। मेरा दांत टूटने वाला है। हाँ अब इसके दांत टूटेंगे, पहले तो कभी टूटे ही नहीं है, फर्स्ट टाइम टूटेंगे। और यही चीज है जो दोबारा भगवान हमें दे देते हैं, उसके बाद नहीं मिलेगी फ्री ये चीज, फ्री और फिर समझ गए, नकली लगवाने पड़ेंगे फिर अगर दोबारा टूटे तो। रूही भी बोल रही है लाइक भी करना, लाइक भी नहीं मिलते हमें। एटलीस्ट वीडियो देखते हो तो लाइक तो कर दिया करो, लाइक नहीं करते डिसलाइक कर दिया करो। हमें पता है हमारी वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनती है, पर बनती तो है। और आपको जो मनाना नहीं आता है वो भी मनाया करो। क्या जो मम्मी ने उस दिन वीडियो बनाई थी उन खानों की, पास्ता का नाश्ता। और तुझे क्या क्या याद है बता? मैगी और रोटी और वो हलवा और कुछ याद नहीं है। और कुछ याद नहीं है, बस टेस्टी खाना याद है। टेस्टी खाना याद है और कुछ याद नहीं है। रोटी तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तो अभी बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी शाम के टाइम, दोपहर के टाइम 3 बजे, तो मैगी बनाने लग रही हूँ मैं। और मैगी बनाते वक्त पैकेट काटते वक्त मेरा ही हाथ कट गया, वो भी कैंची से, इमेजिन कैंची से हाथ कट गया मेरा। और ये पानी में बॉयल आ गया है और अब मैंने मैगी जो है डाल दी है इसमें, और ये भी एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद मैं मसाला मिला दूंगी अच्छे से, इसको मिक्स कर दूंगी फिर। ये देखिए बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें मसाला मिला दूंगी अच्छे से, चम्मच से मिक्स कर दूंगी।
और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी इसको। और आज सादा मैगी ही बनाई है, मसाले वाली मैगी खाने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मांग रहे थे बच्चे, तो उनको ग्लूकोन डी दे दिया है बिना बताए, वो कोल्ड ड्रिंक ही समझेंगे इसको। तो यहाँ पे इनकी ये कोल्ड ड्रिंक बना दी है, ये देखिए रेडी हो गई कोल्ड ड्रिंक मैगी के साथ। तो चलिए अब सर्व करते हैं इनके लिए, दोनों के लिए, और इनका रिएक्शन देखते हैं। ये चलिए बच्चों की तरफ प्लेट। तो गाइस ये मैगी है, अब हम इसे टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसे बनी है। अरे टेस्ट किया मेरी तरफ से तो 10 में से 10, मेरी तरफ से 10 में से 100, नहीं मेरी तरफ से 10 में से 11। फ्रेंड्स वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना। अगर कुछ गलत भी लगा हो तो कमेंट्स करके एटलीस्ट बता दिया करो कि हाँ ये चीज़ सही नहीं थी या ये चीज़ सही नहीं है, तो इम्प्रूव करेंगे हम उस चीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।